पहला सरप्राइज हम इसको देने जा रहे हैं, ये भी उसकी शादी का तोहफा है और ये तोहफा समझ के वो कबूल करे। मैंने और भाभी ने मिलकर दुल्हन के साथ कुछ खेल खेला है। हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। ओहो, क्यों? और ये सरप्राइज हम तब इसको दिखाएंगे। ये एक रस्म है ना, सरप्राइज देने की रस्म आप भी अपने घर में कर सकते हैं जब आपने कोई इसको अपनी बेटी को सरप्राइज देना हो। जी तो आइए जी, दुल्हन का तोहफा लेकर आइए। सारे भाई आप लेकर आइए दुल्हन का तोहफा। और सरप्राइज ये भी है, दुल्हन को फील करके पहचानना होगा कि ये तोहफा क्या है, इसलिए हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांधी है। ऐसा क्या है? हाँ, और जो जो देख रहा है, शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है उसके लिए। कल बहुत सारी शॉपिंग हमने की थी। हाँ। हमने वॉशिंग मशीन ली। हाँ। हमने डिफरेंट चीजें ली, ज्वेलरी ली, कल ये देख के ले रही थी, आज ये छू के लेगी। हाँ अच्छा, और जो बाकी सब बैठे हुए हैं ना हमारे साथ, इसके मैके वाले, उन्होंने कुछ नहीं कहना है, उनका एक्सप्रेशन जो है वो लॉक हो जाना चाहिए उनके दिल में, खामोशी के साथ। चलो तुम उल्टे कदमों के तरफ चलो, भाभी आप एक तरफ से पकड़ो ताकि गिरे ना, एक तरफ से मैं पकड़ती हूँ। और हम बहुत सख्त फूल लाए, कौन से फूल? गुलाब फूल, फूल ये कलर ये बताएगी अभी। आराम आराम से चलो। रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, कौन सा है? हाँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अच्छा पहले दोनों तोहफों को, अच्छा जो तीन तोहफे जो आप लाए हैं ना, उनको यहाँ सामने सजा दें ताकि इसको पता चले इसका हाथ में लगा सकूं। ठीक है, आओ तीन तोहफे ले आओ, यहाँ रख दें इधर ऐसे। हाँ ये लो भाई तोहफे, फूल आ जाओगे, ये लो फूल पकड़ो दोनों, ये लाओ, हाथ लाओ, टच करो कि तोहफा क्या है, टच करो। एक मिनट ये छोड़ो और टच करो। और उसको भी टच करो। हाँ देखो क्या है, कहता है रोज मन मुझे जिन दिलों में रहा मैं बरसों तक एक हिस्सा में मेरा भी था, फिर वही रहना है। बस यही तो थमाने थे हमने, तो हमारा काम हो गया, मेरे पास आंसू थम गए। काहे माइक में से बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले निजावैद उस शख्स का शुक्रिया जो उनका वालिद है, जिसने हमारी बात रखी। बिल्कुल, मैंने बताया उस पर, उसने हमारी बात रखी। शिकायतें अपनी जगह, हर आदमी की अपनी अपनी शिकायतें होती हैं, लेकिन इस जगह उसने हमारा साथ दिया है, तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि उसके मेहरबानी की उसने इन बच्चों को भेजा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा बड़ा दिल है। और आज के दिन उसने एक ऐसा काम कर दिया कि दूसरे बंधन में बनने से पहले माँ के दिल को सुकून दे दिया उसने। अल्लाह उसको जजाए का समंदर था वो थम गया, थम गया, और अल्लाह उसको जजाए खैर दे इस अमल के लिए। बात करें हम इनसे, तुम्हारी छोटियों से बात करें। चलो तुम बताओ इनका नाम क्या है, इस छोटी का नाम क्या है? बड़ी का आयशा। ये बड़ी है जी। और ये छोटी है? आयशा नाम है इसका। हाँ आयशा इतनी प्यारी है माशाल्लाह। और छोटी का नाम क्या है? मानूर। मानूर तो तुम्हारी जैसी है, इसकी शक्ल तुम्हारी जैसी लग रही है बिल्कुल, है ना सारिम भाई? हाँ बिल्कुल, माँ की तरह है। भाभी इधर आ जाओ, इसकी खास बात बताओ, आयशा की खास बात बताओ, क्या करती थी बचपन में? बचपन में कहती थी मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। खाने को क्या पसंद, मतलब क्या पसंदीदा चीज थी इसके खाने में? क्या कहती थी, मुझे ये खाना है, मीठा पसंद था, नमकीन पसंद था, इसको क्या पसंद? अंडा। अंडा खाने का शौक। अंडा मक्खन। आयशा तुम अब भी अंडा शौक से खाती हो?
हाँ अंडा अच्छा लगता है? अम्मी याद है? हाँ दो ढाई साल से अंडे की यादें अपनी जगह मौजूद हैं। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा ज्यादा। शक्लें याद थी इनकी तुम्हें? हाँ ढाई साल में शक्ल भूल तो नहीं गई थी। और आयशा की शक्ल बदली है कि ऐसी थी? ढाई साल में बदल गई है या ऐसी थी? ऐसी। कमजोर थी या मोटी हो गई है थोड़ी? पहले सेहतमंद थी, अब पहले थोड़ी सेहतमंद थी, अब लंबी भी तो हो रही है ना, है ना? मानूर, मानूर तो छोटी सी थी ना? मानूर तो डिट्टो माँ की शक्ल है, डिट्टो। मानूर बोलती हो? आखिरी दफा क्या खिलाया था अपने हाथ से इन दोनों को? आखिरी दफा हलवा। हलवा खिला कर आएंगी? याद है तुम्हें? कोई दुआ है जो पूरी नहीं होती? है कोई दुआ ऐसी? हर दुआ पूरी। अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हुआ है, माशाल्लाह। और इतनी क्यूट बेबी हैं आप तो, आप तो बहुत क्यूट बेबी हैं। ये कौन है आपकी? ये आपकी कौन है? मम्मा। मम्मा। आपको पता है मम्मा का नाम क्या है? क्या क्या नाम है मम्मा का? हाँ मम्मा, नौरीन मम्मा। वाह भाई नौरीन मम्मा। अल्लाह। इसका मतलब कि इसकी फैमिली भूलने नहीं दे रही तुम्हें। हाँ। और बताती है? नहीं बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी। बताती है कि ये तुम्हारी माँ थी। और अल्लाह के लिए हालात ऐसे होते हैं कि दो लोग अलग हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब बुरे हों। और मैं चाहती हूँ ये सिलसिला, तुम अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ नौरीन पे, इंशाल्लाह ये मुलाकातें बच्चों से तुम्हारी होती रहे। अब ये दो साल का गैप ना आए इंशाल्लाह।